ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ मुखिया को भी बोलते हैं तो मुखिया बोलता है जाओ समझो, मुखिया भी कोई रिस्क ओवर नहीं है। और दूसरी बात, अति जो यहाँ के एमओ वीडियो साहब होंगे, चाहे जो भी हो वीडियो साहब हैं चाहे एमओ कोई भी हो, हमको लगता है कि धुरकी प्रखंड में मिली भगत चल रहा है। अभी मत है और टाइम है, 4 बजे ही है, 3 बजे ही है, भीड़ बा भी थोड़ा ऐसे दबो, ऐसे कहा लो ठक भगा दे बड़ा। समय से करते आ रहा ही, तो हम लोग कई बार दरखास्त भी दिए प्रखंड में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। अगला जो डीलर है उनके यहाँ सब जुआ दे दीजिए, वहाँ से चावल सब लेंगे। अब आवेदन कई बार दिए हैं वीडियो साहब के पास, जिला में भी दिए, मगर अभी तक सुनवाई नहीं हुआ। टाटीदिरी में पीडीएस डीलर द्वारा अनियमितता बरतने के खिलाफ लाभुकों ने किया जमकर हंगामा। धुरकी प्रखंड क्षेत्र के टाटीदिरी पंचायत के पीडीएस डीलर के द्वारा कार्डधारी लाभुकों के बीच राशन वितरण करने के क्रम में घोर अनियमितता के खिलाफ बुधवार को कार्डधारी लाभुकों ने डीलर के विरुद्ध जमकर हंगामा किया है। कार्डधारी लाभुकों ने बताया कि पीडीएस डीलर अशोक कुमार सिंह के द्वारा प्रत्येक माह राशन वितरण करने में अनियमितता बरत रहा है। लाभुकों ने कहा कि सरकार द्वारा प्रत्येक माह मिलने वाले राशन के आवंटन को डीलर के द्वारा प्राप्त कर लेने के बाद भी नियमित रूप से वजन कर राशन वितरण करने में मनमानी कर रहे हैं। वहीं राशन कार्ड धारकों ने बताया कि डीलर के द्वारा ई पॉस मशीन से राशन का वजन कर निकालने पर मशीन में ईंट पत्थर बालू भरकर राशन का निकासी करते हैं और निर्धारित वजन से आधा किलो राशन मनमानी तरीके से कटौती कर लेते हैं। वहीं बीडीसी सुरेंद्र साव व पूर्व मुखिया निरंजन साव ने बताया कि डीलर लाभुकों के राशन से कटौती करते हैं, वहीं इसका विरोध करने पर अपनी मनमानी करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पीडीएस डीलर अशोक की मनमानी से सभी कार्डधारी लाभुक परेशान हो चुके हैं। कार्डधारी लाभुक ने डीलर पर कार्रवाई के लिए मांग किया और जमकर हंगामा किया। अशोक कुमार सिंह डीलर जो कार्ड संख्या 35/2018 के का नंबर है, लाइसेंस नंबर, यहाँ जो है पब्लिक को 2-3 महीना से राशन नहीं दे रहा है। किसी को अंगूठा लगा लेता है, अंगूठा लगाने के बावजूद भी राशन कहता है ख़त्म हो गया है, बोलता है नहीं है राशन ख़त्म हो गया, घट गया, ताबर में देंगे। इसी तरह का हमेशा बहाना करते करते बहुत समय से करते आ रहा ही, तो हम लोग कई बार दरखास्त भी दिए प्रखंड में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। समस्या यही है ना कि 3 बार हुआ, हम लोग के चावल नहीं दे रहा है, भूखे मर रहे हैं। तो डीलर के क्या नाम बा? अशोक, अशोक नाम है, अशोक सिंह। तो जाली तो का कहला? कहते हैं कि सिरा के नहीं है। कितना दिन से निखन दिले राशन? 3 महीना के नहीं दिए हैं, हम विधवा आदमी हैं, लड़का है ना पति है मेरा। 3 बार के चाहिए, तो अभी फिर वैसा ही हुआ कि राशन खत्म हो गया। तो ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ मुखिया को भी बोलते हैं तो मुखिया बोलता है जाओ समझो, मुखिया भी कोई रिस्क ओवर नहीं है। और दूसरी बात, अति जो यहाँ के एमओ वीडियो साहब होंगे चाहे जो भी हो, हमको लगता है कि धुरकी प्रखंड में मिली भगत चल रहा है, या डीलर और अति एमओ इन लोग कोई सिस्टम से काम नहीं कर रहा है। हम लोगों को अधिकार भूख के लिए इतना परेशान है लोग, एक तो सुखाड़ ऐसा पैदा हो गया है कि हम लोगों को एकदम खाने खाने बिना परेशान है लोग।